नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2 या ऑप्शन सी H2। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए CO2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 है, हाइड्रोजन के नाभिक में होता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी दो प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 114 है, हास यानी हंसी वाली गैस है क्या है फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी अमोनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में भौतिक परिवर्तन नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए जल का वाष्पीकरण, ऑप्शन बी NH4Cl का उद्वर्तन, ऑप्शन बी ऑप्शन सी CO2 से चूने का पानी दूधिया होना या ऑप्शन डी अल्कोहल का अवशासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी CO2 से चूने का पानी दूधिया होना। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, भौतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रंग में परिवर्तन, ऑप्शन बी सहित में परिवर्तन, ऑप्शन सी ताप में परिवर्तन या ऑप्शन डी दाब में परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी संहित में परिवर्तन। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी गलन या ऑप्शन डी मोमबत्ती का जलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। आइए फ्रेंड देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अपरूप, ऑप्शन बी समाकृत, ऑप्शन सी आइसोमर या ऑप्शन डी आइसोबार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अपरूप। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119, समीकरण में एक्स क्या होगा? आपके देखिए आपके समीकरण यहाँ दिया हुआ है, इसमें x का बताना है कि मान क्या होगा। समीकरण है Na2CO3 प्लस 2HCl से क्या बन रहा है x प्लस CO2 प्लस H2O। तो आपके ऑप्शन है x के जगह पे क्या होगा NaCl, ऑप्शन बी 2NaCl, ऑप्शन सी 3NaCl या ऑप्शन डी NaCl2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 2NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, मैग्नीशियम फॉस्फेट का आणविकीय सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए MgPO4 होल ट्वाइस, ऑप्शन बी MgPO4, ऑप्शन सी Mg3PO4 होल ट्वाइस या ऑप्शन डी Mg2PO4 होल थ्राइस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी Mg3PO4 होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 में आणविक भार क्या होगा? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 42 या ऑप्शन डी 98। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 98। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122, खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए इथाइल मादक, ऑप्शन बी मिथाइल मादक, ऑप्शन सी CO2 या ऑप्शन डी NaCl। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इथाइल मादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, किसी ठोस पदार्थ में सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहलाती है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन यानी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी घनीकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैस की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए केविन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी क्यूरी या ऑप्शन डी विलियम रेमेसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 307 जो कि भूगोल से है, आइए इसे देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी शुक्र और शनि, ऑप्शन डी मंगल और शुक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार या ऑप्शन डी दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तीन उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 310, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए तीन, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी जीरो या ऑप्शन डी एक। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी एक। क्वेश्चन नंबर 311 है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 311 का ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पृथ्वी या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आकाशगंगा। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 113, सूर्य के निकटतम ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है दूसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड 313 का ऑप्शन सी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315, निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 316, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल या ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317, सौर परिवार में निम्न में कौन सा युग्म गलत है? सबसे नज़दीक, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए सबसे नज़दीक ग्रह बुध, ऑप्शन बी सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह शनि, ऑप्शन सी सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र या ऑप्शन डी सबसे नज़दीक ग्रह मंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में से किस समय होती है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 4 जनवरी या ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किसे कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए शुक्र। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, आप हमें फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।